गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस के वर्कशीट नंबर 29 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सोशल साइंस के भूगोल के चैप्टर 4 जलवायु से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है ऋतुएं पार्ट 2 और मानसून का आगमन। तो हम इस वर्कशीट में बेटा मानसून के आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून का आगमन कब होता है, कैसे आता है, बारिश जो है वर्षा किस तरह से होती है, कौन से क्षेत्र में बारिश, किन दिनों में मानसून पहुँचते हैं, ये सब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है। बेटा यहाँ हमें उच्च तापमान और निम्न दाब, ये दो वर्ड हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब टेम्परेचर कहीं हाई होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो वायु दाब होता है वो बेटा कैसे होता है, निम्न हो जाता है। निम्न वायु दाब, जब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर एरिया बनेगा और जब टेम्परेचर लो होगा, तापमान कम होगा किसी जगह का, तो वायु दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा वहाँ पर। तो ये दोनों विपरीत उसमें चलते हैं बेटा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दाब जो होगा वो कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो दाब जो होगा, वायु दाब, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। तो जून की जो स्टार्टिंग होती है बेटा, वहाँ पर क्या होता है, उत्तरी मैदान हमने पहले भी पढ़ा था वर्कशीट्स में कि हमारे जो उत्तरी मैदान, ये वाला जो एरिया होता है हिमालय पर्वत के नीचे का, वो कौन सा होता है, उत्तरी मैदान कहलाता है। तो उस स्थान पर टेम्परेचर हाई होने के कारण निम्न दाब की स्थिति बनती है। वहीं पे जो दक्षिणी समुद्र के क्षेत्र है वहाँ पे अपेक्षाकृत क्या होता है, तापमान कम होता है, तो तापमान कम होने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये हमारा जो है ये सारा क्या है, समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, कम होता है उत्तरी मैदानों की अपेक्षा, तो यहाँ पर वायु दाब कैसा होता है, उच्च हो जाता है, ज़्यादा होता है। फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिमी पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जो समुद्र से जो नमी युक्त पवनें होती है, जो यहाँ से समुद्र से स्थल की ओर पवनें बहती हैं, तो वो कैसी होती हैं, नमी युक्त होती हैं, और वे कहाँ पर शुरू हो जाती हैं, स्थल एरिया में, वहाँ पर बहना शुरू हो जाती हैं। प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती है, और फिर यह दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। शुरुआत में ये जो पवनें होती हैं बेटा, ये क्या करती है, पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है, इस तरफ पवनें यहाँ पर जाती हैं और ये नमी युक्त होने की वजह से यहाँ पर भारी बारिश करते हैं इस इलाके में, जैसे केरल में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद क्या होता है, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं पवने, एक तो अरब सागर शाखा में और एक बंगाल की खाड़ी शाखा में। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित कर ढक लेती हैं और मानचित्र एक में तिथि के अनुसार देश में मानसून के आगमन को समझिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पवनें होती हैं क्या करती हैं, पूरे भारत को कवर कर लेती हैं, और इसमें मैप में हमें दिखाया भी गया है डेट के अनुसार। ये देखिए यहाँ पे बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 1 जून से यहाँ वाले एरिया में मानसून आना शुरू होता है, फिर 5 जून तक ये जो केरल और ये यहाँ पे ये सारा एरिया इधर आता है, 5 जून से यहाँ पे यहाँ तक पहुँच जाता है मानसून। उसके बाद 10 जून से मुंबई, ओके, भुवनेश्वर, पटना, यहाँ 10 जून तक इस वाले भाग में पहुँच जाता है मानसून। फिर 15 जून से अहमदाबाद, लखनऊ, यहाँ तक 15 जून तक पहुँच जाता है। फिर 1 जुलाई से ये गुजरात वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ तक, और 15 जुलाई से राजस्थान वाला हिस्सा, यहाँ 15 जुलाई तक यहाँ तक मानसून पहुँच जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 जून तक ये यहाँ पहुँच जाता है, और 5 जून को यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की तरफ से जब चलता है। तो इस तरह से पूरा मानसून जो है इन दिनों में इतने इतने ड्यूरेशन पे पूरे भारत को कवर कर लेता है।
सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूहों में होती है। अब जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, उत्तर ये और पूर्वी हिस्से यहाँ पे उत्तर दिशा में और पूर्वी इधर, और कहाँ पे द्वीप समूह में, जो द्वीप समूह है यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय स्थित मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, मेघालय में मासिन राम एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मानचित्र दो में जो है भारत में वर्षा के वार्षिक वितरण को दिखाया गया है। यहाँ पे इस मैप में हम देख लेते हैं कि पूरे साल में किस किस एरिया में कितनी बारिश होती है। तो ये कलर से डिविजन किया गया बेटा, सबसे ज़्यादा जो है जब 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, इस कलर से आपको दर्शाई गई, जैसे यहाँ पे ये एरिया इधर जो है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद 200 से 400 वाली बारिश है, ये जो हमारे दूसरे एरिया यहाँ पे ये पर्पल कलर में इस तरह से दिखाया गया, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है पूरे साल में 200 से लेके 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। थर्ड हमारा कितना है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, फिर 60 से 100 सेंटीमीटर। ये अलग अलग कलर से अलग अलग डिवीजन को दिखाया गया है कि किस जगह पर कितनी बारिश होती है पूरे साल में। फिर 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर और 20 से 40, और ये 0 से 20 है, जो यहाँ पे गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पर राजस्थान वाला, यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर की सबसे कम बारिश जहाँ पर होती है वो हमारा एरिया है। उसके बाद है वर्षा में विराम, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, जो मानसूनी गर्त निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों में हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। अब बेटा एक ऐसी भी परिस्थिति आती है मानसून के समय पर जब बिल्कुल बारिश नहीं होती, उस समय भी बारिश नहीं होती, और ये किस कारण होता है, जो मानसूनी गर्त होती है, जो निम्न दाब होता है, उस अक्ष के खिसकने की वजह से। और ये कहाँ पे खिसक जाता है, जो अक्ष होते हैं ये हिमालय के पर्वतीय इलाकों में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्षा में विराम स्थिति को कहते हैं। अक्ष की जो उपस्थिति होती है वो वर्षा सुनिश्चित करती है। अगर अक्ष जो है हमारा निम्न दाब की जो स्थिति है वो बनी होती है तो वर्षा सुनिश्चित है कि बारिश होगी, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। और अगर ये नहीं होता, अनुपस्थिति होती है अक्ष की, तो शुष्कता होती है और बारिश बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। जो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब है उसकी तीव्रता और आवृत्ति पे भी मानसून की जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा और समय दोनों निर्धारित करते हैं, डिपेंड होते हैं किस पे, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति पर। यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। अब देखो जो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब है उसकी जो तीव्रता और आवृत्ति जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम है निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति कम है वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, बारिश कम होगी। तो इसी यही वजह है कि एक बार बाग में हमने देखा है कि एक ही समय पर एक जगह पर तो बाढ़ आई होती है और एक जगह पर सूखा पड़ा होता है। उसके बाद है बेटा मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होते हैं। अब जो मानसून होता है वो उसकी अनिश्चितता बनी रहती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर आएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इस समय पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, और इसका आगमन, इसका आना और इसका जाना दोनों ही अव्यवस्थित होते हैं। अब आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे बेटा, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है, वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, फलस्वरूप समुद्र से नमयुक्त दक्षिण पश्चिमी पवने स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा बेटा, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं, यह क्यों होती है। इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे, वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल होते हैं, जो मानसूनी गर्त निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। दो सबसे अधिक और दो सबसे कम वार्षिक वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सबसे अधिक वर्षा वाले दो राज्य हैं बेटा मेघालय और दूसरा केरल, और सबसे कम वर्षा वाले दो राज्य हैं गुजरात और राजस्थान। सेकंड पार्ट है इसका, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि बतानी है। तो इसका आंसर है बेटा, दिल्ली में 1 जुलाई, मुंबई में 10 जून, कोलकाता में 5 जून और चेन्नई में 1 जून को मानसून पहुँचता है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।